सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द केसी व्लॉग्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बहुत ही बेहतरीन बाइक लेके आए आपके लिए। एक है हार्ले डेविडसन, एक है RC 390 2022 मॉडल। और बाकी रेस में बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूंगा, ये जैकेट पहनी है मैंने, कैसी लग रही है देख लीजिए। लुक वाइज बहुत ही बेहतरीन फिट है। क्वालिटी की बात करूँ यार, बहुत ही मस्त क्वालिटी है। मतलब आपकी ठंडी के लिए ना एक फंकी जैकेट आपके साथ में है। तो अगर ये अच्छी लगती है आपको तो डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दिया हुआ है, आप इसको ख़रीद सकते हैं। एंड अगर मैं बाइक में इसको पहन के बैठता हूँ तो कैसी लगती है वो दिखा देता हूँ। ये हार्ले डेविडसन में हम बैठे हैं, जैकेट बहुत सही है। इसकी अगर फिटिंग की बात करूँ तो बहुत ही बढ़िया फिटिंग आती है, चेन वेन भी बहुत बढ़िया है। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है मेरे, और मेरा स्टोर का लिंक मैंने दिया हुआ है, वहाँ जाके इसको ख़रीदना है। तो चलिए बात करते हैं बाइक के बारे में। भाई ये है 2022 मॉडल, जो कि अब तक बहुत ही बढ़िया लगी मेरे को। हमारे साथ में थी स्ट्रीट रॉड, हमने सोचा कि इसके साथ क्यों ना इसकी एक ड्रैग परफॉर्मेंस टेस्ट कर ली जाए और देखा जाए क्या रिजल्ट निकल के आता है। बाकी चलते हैं और आपको दिखाते हैं बिना किसी देरी के। पावर एंड प्राइसिंग फिगर जो है वो आपकी स्क्रीन पर लिख के आ रही है, चलते हैं सीधे ड्रैग में। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं अपनी रेस, और शारिफ चलाने जा रहे हैं अपनी हार्ले डेविडसन स्ट्रीट रॉड, और हम चलाएंगे KTM RC 390 2022 मॉडल, जो एकदम नया है। एंड देखते हैं कितनी भागती है भाई। इन दोनों की रेस का मतलब कोई मतलब तो नहीं है, बट हमने कहा यार RC भाग रही है बढ़िया, RC भागती बढ़िया है। और वीडियो पे कमेंट भी आ चुका है हम लोग के। सा डिले किया है। तो अभी आपने देखा क्या बेहतरीन रिजल्ट आया था, देखा था आपने कि कितना ज्यादा गैप हो गया था। लेकिन अगर मैं गैप की बात करूं तो मतलब गैप मेंटेन था, लिमिटर मेरी गाड़ी ने फेंक दिया था भाई। लेकिन ये भागी है ना, बहुत ही बेहतरीन भागी है यार, इसको तो भाई क्या ही कहने, हालांकि कोई मतलब नहीं है। चलिए अब राइडर चेंज करते हैं, शारिफ भाई को हम बैठाते हैं थोड़ी हल्की बाइक में, वो हल्के हैं मेरे से 22 kg या 25 kg कुछ है, मैं राइडर वेट लिख दूंगा स्क्रीन पर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, हम चलाते हैं हार्ले डेविडसन और ये चलाएँगे RC। हालांकि ये मेरे से हल्के हैं तो शायद हो सकता है RC में इनको थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाए, थोड़े से हल्के हैं, ज़्यादा हल्के नहीं हैं।
भागी है ये गाड़ी गजब मस्त। व्हीली हो जा रही थी भारी बाइक, आप सोच सकते हो। अबे लाजवाब भागी है यार ये साली, इतनी भारी होने के बाद व्हीली हो रही है इसमें भाई। आप लोग ने देखा अभी जो सीन था ना, बेहतरीन सीन था ये। थी 2022 KTM RC390 और यह है स्ट्रीट रॉड 750। हालांकि प्राइसिंग को देखूँ ना कोई मतलब नहीं है, कहीं 4 लाख की आती है एंड ये आती है 8+। तो वैसे तो डिसकंटिन्यू हो चुकी है लेकिन बहुत महंगी है ये इसके कंपैरिजन में। और अगर सीसी को देखें तो भाई इसको बड़ी बाइक से कंपेयर करना चाहिए, बट बड़ी बाइक से हम अगर कंपेयर करते हैं तो ये हारती है, क्योंकि भाई किसी भी स्पोर्ट्स बाइक से अगर कंपेयर करोगे 650 से तो ये नहीं जीत पाएगी, क्योंकि भाई वो स्पोर्ट्स बाइक है और ये एक क्रूज़र बाइक है, एक रोडस्टर टाइप की बाइक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, अगर नहीं अच्छी लगी है तो डिसलाइक करिए, कमेंट करके बताइए क्या चीज़ अच्छा चाहिए आपको। बाकी मैंने जो जैकेट दी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आपको जैकेट अच्छी लगी है तो भाई बहुत ही बढ़िया अफोर्डेबल प्राइस में और बहुत ही अच्छे ऑफर्स के साथ वो मिल रहा है, तो आप जाके उसको परचेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन राइड सेफ, स्टे सेफ, हेलमेट हमेशा पहन के राइड करिए, मस्त रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय।